अपोजिशन के जलसे रोकने के लिए अब इंतजामी तौर पर ज्यादा पाबंदी लगाएंगे। जलसे की इंतजामी और सियासी कायदेन के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया, कहा जानबूझकर आवाम की जान खतरे में डालने पर कानूनी एक्शन होगा। अपोजिशन को पिशावर जलसे देखकर दूसरे जलसे मंसूख करने चाहिए थे। कोरोना से निपटने के लिए अपोजिशन का अदम तआवुन और पार्लियामानी कमेटी का इजलास में अदम शिरकत न करना बड़ी गैर जिम्मेदारी है। पार्लियामानी कमेटी इजलास में असद उमर ने अपोजिशन के जलसों से कोरोना तेजी से फैल रहा है। अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। कौमी क्यादत को अपना तर्ज अमल बदलना होगा। सियासी जलसे में अवामी इस्तेमाल को बंद करवाना होगा। मुतालबा 72 घंटे बाद आइंदा का लाइहा अमल देने का ऐलान। कहा सिंध हुकूमत का फैसला मईशत दुश्मनी है, नजरसानी की जाए, जुल्म जबरदस्ती से फैसले मुसलत किए जा रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना का फाल केसेस 42,115 हो गए। कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के लवाहिकीन की हिफाजती किट के बगैर आमदरफ्त लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना में मुबतला मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के रहनुमा फकीर जादव मंगर इंतकाल कर गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब खान, आप देख रहे हैं JEE न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं और प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए JEE न्यूज़, खबर सबकी।